ठाकुर जी की भक्ति दृढ़ हो, तबीयत से परेशान, स्वास्थ्य में पेट में अपच बनता है, माइक से बोलते जाओ, लगातार परेशान रहती हैं, घर में कलेश बना हुआ है, पिता तुम्हारी माता जी से अलग हैं, विचित्र बुद्धि के हैं, देखते नहीं हैं, गलत संगति में भी फंसे हुए हैं, आपस में भयंकर कलेश बनता है, उनका सामंजस्य चाहती हैं, जाओ सामंजस्य हो जाएगा, आशीर्वाद है। बिल्कुल सही गुरुजी, बिल्कुल क्या ही हो रहा है जो आपने ये है। अब आपको धाम आना पड़ेगा, अब तुम्हारी पढ़ाई फेल हो गई। बिल्कुल जरूर आऊंगी गुरुजी, जरूर। अब तुम जब नियम करोगी, बालाजी की पद्धति करोगी, हमें फोटो दे देना, बाकी और भी बातें हैं पर माइक से बताने योग्य नहीं है, कुछ गलतियां तुम्हारी ज्यादा हैं, बस इतने में ही समझ जाओ। हाँ, अब देखो भाई, कोई हमारी परीक्षा लेगा तो डेकाडोन तो लगाना पड़ेगा। रो मत बहन, उनका हमको फोटो चाहिए, आप मंगलवार को दरबार में लेकर के आ जाना और हम विधि कर देंगे, सामंजस्य बन जाएगा। आप सामंजस्य चाहती हैं, एकता चाहती हैं, कैरियर के लिए भी सब कुछ जीरो हो गया। जी बिल्कुल। एक बात और हमने निकाली है, हम माइक से बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, हम आपको एक लाइन पहले पढ़वा देते हैं, अगर आप कहोगी तो हम उस पर बोलेंगे, नहीं तो बिना बोले भी काम चल जाएगा। सबसे ऊपर की लाइन है, जिस कारण से ये वाली दिक्कत होने लगी है, ये वाली बहुत ज़्यादा, और इसमें बहुत ज़्यादा अति, तो इसमें आप सब चीज़ों से दूर रहें, नाम जप करें, ठाकुर जी को खूब पकड़े रहें, सीताराम, ठीक बहना। इसको हमने मिटा भी दिया। अगला क्रम भेजा जाए, मंगलवार धाम पे दोनों के, बस 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 बस, आओ मोटे, तो बैठो। कौन सी चक्की का खाते हो आटा? क्योंकि हम इतना खाती हैं फिर भी सूखते जाते हैं है? कहाँ से हो? महाराज मोतिहारी बिहार से। आहा, अब तो ठीक ही है बाबूआ, कहाँ से बानी? मोतिहारी से, जिला से बानी। आहा, मोतिहारी जिला घर बा तो कोनो बात का डर बा, बहुत अच्छे आए। चलो अभी तुमको रोना नहीं है, नहीं तो तुम्हारी अर्जी नहीं लग पाएगी। निकालो अपना सामान तुम जेब से, पर्ची निकालो। बागेश्वर धाम की, हाँ पहली बार आए हो? अच्छा, किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? हमें जो आज्ञा लगी बालाजी की हमने लिख लिया, बताओ क्या समाधान आप बालाजी से चाहते? हाँ चिट्ठी खोलो, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तुम अपनी चिट्ठी हमको मत दिखाओ, कैमरा में करना पहले, फिर हम इधर कर रहे हैं। कैमरा में इनकी चिट्ठी आ रही है, जेब में डाल के लाए हैं। इनकी चिट्ठी में पर्ची निकालेंगे जिसमें 6 प्रश्न लिखे होंगे, काम इनका धंधा रुका हुआ, कर्जा बना हुआ, घर में टोटका है, माँ बीमार रहती है, भाई उपद्रव करता है, सही रास्ते पे नहीं चलता है, आगे क्या कार्य करें, ऐसा पूछने के लिए आए हैं। व्यापार में 2026-18 मई तक आप सफल हो जाएंगे, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम महाराज की, सन्यासी बाबा की।
अभी बताते, एक मिनट का समय दीजिए आप हमको। साधु जी, ये हमने नीचे लिख दिया, ये हमने मंत्र भी लिख दिया, उपाय भी लिख दिए। पहले हम स्क्रीन पर इसको कर देते हैं, फिर आपको भी हम दे देते हैं, तो उसी से आप अपने उत्तर समझ जाएंगे काम में। ये नीचे वाली लाइन आपके लिए हमने दोबारा लिख करके दी। व्यापार डाल दें, दुकान जनरल स्टोर के साथ साथ प्रॉपर्टी का काम वर्तमान में आप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम वर्तमान में कर रहे हैं, दुकान थोक की जनरल स्टोर की डाल दें, होलसेल की दुकान को आप डाल दें, इसी में सफल हो जाएंगे, काम उन्नत हो जाएगा, वह कर्ज चुक जाएगा, 2026 18 मई तक चुक जाएगा, भाई की बुद्धि ठीक होगी, माता जी को झाड़ा लगेगा, घर पर टोटका तंत्र किया गया है जो कट जाएगा। आप 2012 से परेशान हैं, 2012 से घर में उपद्रव मचा हुआ है, पूर्व में एक घटना भी घट चुकी हुई है, घर पे आपके पिता की अकाल मृत्यु भी हो चुकी है, वह आपके पूरे घर में क्लेश भी बना हुआ है, अलग से आप दूसरी जगह मकान भी बनाना चाहते हैं, उसका सपना भी आपका पूर्ण हो जाएगा। ये आपकी चिट्ठी के इतर बात है, ये चिट्ठी में नहीं है। माइक लो, बिल्कुल सही बात, ये चिट्ठी में नहीं है, ये चिट्ठी के इतर की चर्चा है। सही बात। आप नियम प्रारंभ करो, घर पर अमावस्या को अखंड रामायण का पाठ करवाओ, तंत्र करवाने वाला बहुत गंदा है, हर महीने प्रयोग कर रहा है और धमकियां भी देता है कि ठीक बर्बाद हो रहे हैं। अब उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि 2-3 बार हम इस चक्कर में अदालत जा चुके हैं, लेकिन वही आंटी जी है। सियावल रामचंद्र की, बोलो बागेश्वर धाम की। अब वो हम पे FIR कर ही नहीं सकती हमने, क्योंकि नाम लिया ही नहीं, तो लॉ में ऐसा बनता है, कानून ऐसा कहता है कि नाम लो तभी FIR होगी। अब हमने लिया ही नहीं, क्या खा के FIR? आंटी है, अब कौन आंटी है? हमारी आंटी है। इसी में एक मंत्र लिख दिया, अब तुम धाम आओ, बाकी काम बालाजी का है, कोई संदेह? जा खुशीरा, आज आज से ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। जय सियाराम। पहले तो थे हम बच्चे, हमें ज्ञान ज्यादा नहीं था, तो पहले हम नाम बता देते थे माइक पे, फिर बाद में आगे को लगो पे वकील करते रहो। अब हम हो गए समझदार, सांप भी मर जाता है, लाठी भी नहीं टूटती है, और अब हम जो है नाम भी नहीं बताते और काम भी हो जाता है। अपन इतना ज्ञान आ गया ना अपन को थोड़ा सा। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, नमः पार्वती पते हर 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 हर। कहो होशियार भाई साहब। सीताराम गुरु जी। सीताराम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, प्रेतराज सरकार की, बालाजी सरकार की, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम। कहाँ से हो गुरुजी? जिला बताई हूँ, गांव मेरा रामनगर है गुरुजी। 16 सितंबर को मेरी अर्जी लग चुकी है धाम पर। अच्छा, और गुरुजी मेरे भाई की मृत्यु के रहस्य के बारे में जानना चाहता हूँ, और माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और मेरी एक बहन आई हुई है मीना, और भांजा है कंचन आयुष, सब पर कृपा बनी रहे, और हमारे साथ के लोग आए हैं, सब पर दया। मतलब तुम पूरे जिला का ठेका लेके आए हो क्या? सब आए हैं। देखो तो भाई, जमाना क्या जमाना आ गया। क्या जानना है भाई के बारे में? गुरुजी मम्मी को बहुत समस्या है, और मम्मी को तो है पर भाई के बारे में क्या रहस्य जानना? भाई एक्सपायर हो गए गुरुजी एक्सीडेंट से, कैसे क्या वो समझ में नहीं आ रहा घर में। इसका उत्तर जो हम बताएं उसको मानोगे? बिल्कुल। ठीक, पढ़ी। पहला तो हमने ये लिखा, बालाजी को चैलेंज देकर आए हम, बहुत भक्त हैं आपके, हमको एक बार बुलाओ। माइक लो। गुरुजी सच सच, इसीलिए हमने तुम्हें वहां से ठठरी बार तब बुलाया। अरे गुरुजी वो तो मैं बहुत चाहता हूं गुरुजी अपने बालाजी को। पढ़ो, चैलेंज देकर के बुलाया है, भक्त पूर्व से बालाजी के हैं, अर्जी लग चुकी है, सनातन के काम करने का संकल्प लिया हुआ है, भाई की मृत्यु के रहस्य को लेकर के परेशान हैं, इनका एक्सीडेंट ही है, किसी ने नहीं मरवाया है, ना चोटिल विद्या है,
एक कारण जरूर है, उसको बिना माइक के बताया जाएगा। रहस्य कुछ भी अन्न नहीं है, मीना आदि पर कृपा बनी रहेगी, माँ के शरीर की पीड़ा मिट जाएगी, तंत्र मंत्र हट जाएगा, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय जय सियाराम। परचा यही बोला, यही बोला गुरु जी, बिल्कुल बराबर बोला, सत्य बात है गुरु जी। एक महावीर सिंह दरोगा जी हमारे, उन्होंने ये कहा था हमारी मुलाकात अगर महाराज जी से हो जाए तो, मैंने कहा हमारी तो कोई ऐसी जान पहचान नहीं है, बालाजी की कृपा से आपकी अर्जी लग सकती है। जय सियाराम। गुरु जी वो हाथ ला रहे थे, हाथ उठाओ गुरु जी, आशीर्वाद दे दो, बोले देखो हमारे दरोगा जी। कौन जिला है तेरा? ऐसे लोग वहीं पाए जाते हैं। अजो अच्छा सेवा, कार्ड भी तो है तुम पे। ओ वाह, बालाजी के छो। माँ कहाँ है तुम्हारी? इनको झाड़ा लगवाने के लिए ले आना, एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए माइक। ताराम, हाँ हाँ बोलो बोलो चलो। बागेश्वर धाम की। देखो गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा हम पे की है भैया, आप अर्जी मन से लगाओ, आपकी भी अर्जी लगेगी। बोलो जय सियाराम। और कोई रह तो नहीं गया? तो नेता का बन रहा हो जी, हाथ का हिला रहा हो भैया, खुश रहे। अच्छा अच्छा दूरी से ठीक है? नहीं नहीं दूरी से ठीक है। अरे हाँ भैया चलो जाओ, बस आ जाओ दरोगा साहब, ये तुमको लेकर बहुत टेंशन में है, आ जाओ तुम्हें पटकी तो डाल ही दें। हम बुलाएं ले रहे। बागेश्वर धाम की कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें सार्वजनिक विषय नहीं। देखो सांप मर जाए लाठी टूटे ना, तो कई बार आप हमको बिल्कुल बाध्य ना करें। अंगली अर्जी दूसरे पंडाल से स्वीकार हुई है और दूसरे पंडाल में हाथ बांधे हुए भैया खड़े हुए हैं बीचों बीच, पीले रंग शर्ट पहने हुए, जो हाथ बांधे हुए, जिन्होंने अभी हाथ खोल लिए हैं। हाँ दोनों हाथ वहीं से उठाओ बेटा, वहीं से उठाओ पहले दोनों। हाँ जिसने ये दोनों हाथ खड़े किए, आ जा बेटा बीच से ही आ जा तू। हाँ 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 आ जा, जिसको लेकर के आना है आ जा। बच्चे भी है ना साथ में, कोई है? हाँ हाँ लेके आ बेटा, आ जा यहां बैठो माता जी। साधु जी बालाजी कहाँ से हैं? मुरादाबाद। मुरादाबाद में कहाँ से? लाइन पार्क, शेर का घर। बोलिए क्या समाधान पाना चाहते हैं जी? हाँ बैठ जाइए। दिखाई नहीं दे रहा कि सुनाई नहीं दे रहा? बालाजी के माइक लेंगे? बिना माइक, बिना माइक। अच्छा एक तो स्वास्थ्य ठीक रहे, बीच बीच में बहुत बिगड़ जाता है, बहुत परेशान रहते हैं, घर में परिवार में सुख शांति पाना चाहती हैं, कलेश बहुत बन जाता है। बेटी की अर्जी लेकर के आई हैं,
डॉक्टरी योग बन जाएगा, जावा आशीर्वाद है। एक बार दर्शन करवा देना धाम। कौन है? अच्छा, लाली का नाम क्या है? बहुत अच्छा, चंद्रमा है, बहुत शार्प माइंड है इसका। एक बार दर्शन करवाओ, बहुत अच्छा पढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और बालाजी के दर्शन करवा दियो, हम कवच दे दे भी, और आगे स्पेशलिस्ट बनना चाहती है। अभी तो MBBS कर रही है, आगे स्पेशलिस्ट बनना चाहती है। कहना गुरुजी ने बुलाया है और जय जय रहेगी, चिंता ना कर। इसी में हमने नीचे मंत्र लिख दिया है। और गुप्ता जी का परिवार होता? अच्छा, वाह, ठाकुर जी भी हो, ये लो, उन्हें दूर से प्रणाम करो, मां खुश हो। साधु जी, नमः पार्वती पते हर हर। दासी भगवान की। कहाँ से हैं? मुरादाबाद हरतला सब्जी मंडी। अच्छा, हाँ। यही क्यों? हाँ। तो तुमने यहाँ नाम बताया था क्या किसी को? नहीं। तो किसी ने पूछा था क्या? नहीं। फिर हमें कैसे पता लगा, बता? आपको तो सब कुछ पता है। हमें इतना ही पता हो तो हम भारतीय आर्मी में आतंकवादी ना पकड़ते होते। लेकिन एक बात बता दें, अब हमें कह बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब सीक्रेट बात थी, पर हम क्या बताएं, हमारे मुंह में टिकती नहीं है। हम बहुत जल्दी विज्ञानकों के भी काम आ रहे हैं, हमारी दो मीटिंगें हो चुकी हैं, अब हम विज्ञानकों को भी स्पेस यात्रा के लिए मार्गदर्शन देंगे। हाँ, एक टीम आई थी हमारे पास, उन्होंने हम पर रिसर्च की, मशीनें ले आए थे कि तुम्हें पता कैसे चल जाता है, तो बाकी में तो हम पास हो गए। एक मशीन बुलाए थे जो सिर पर रखनी थी, टू टू बोलती थी। हमने कहा कहीं ऐसा ना हो जा सिर खोल दे वे और फिर सेट ना कर पाए, लेकिन वो सब हमारे चेला बन गए हैं। हमने विज्ञानकों को भी लेन में लगा दिया, हमने उनको दो तीन जहां बताए और दो तीन चमत्कार दिखाए, बोले दिस इज मैन वेरी पावरफुल। हमने कहा ठटरी के बरे, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। आइए नजदीक बताइए, बालाजी के चरणों में आप क्या समाधान पाना चाहते हैं? माइक ले लो, ज्यादा अच्छा, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम बताएंगे, हमारा काम है। आप मुरादाबाद में ही रहती? पहली बार दरबार में आई हैं? जी, अच्छा, और एक साल हो गया भगवान मुझे आपकी, मतलब आप नहीं दरबार में पहली बार आई? पहली बार आई। एक साल काय के लिए हो गया? एक साल मतलब मैं इतनी पूजा पाठ नहीं करती थी पूरी शिद्दत से, मतलब आप ही की वजह से मैंने पूजा पाठ करनी स्टार्ट कर दिया। हमारी वजह से? हाँ। हम कब काम आने लगे पूजा पाठ के? ये तो हमारी श्रद्धा होती नहीं चाहिए ना। हाँ, कोई नहीं, हम तो एक प्रश्न और रह गया आपके, तीन हैं। एक मेरी नंद आई है, उनका लड़का ना मतलब वैसे मतलब बोलता है। तुम्हारी यहीं पास में है? मैंने तब तक उन्हें सारा करो। अच्छा, हम कैसे माने कि हमने आपको ही बुलाया? वैसे आपके विश्वास भी था कि आप बुलाएंगे, एक बार नहीं भी था। हाँ, दोनों ही थे, पर ज्यादातर ये था कि भगवान बुलाएंगे जरूर। ठीक है, आपके पिता का नाम क्या? ब्रजपाल सिंह प्रजापति। पढ़िए, यहाँ से शुरू किया। तुम्हारे मायके के घर में विवादित स्थितियां बनी, परेशान हैं, अकाल मृत्यु पूरे घर में हो गई हैं, 2016 से उपद्रव भयंकर ज्यादा मचा हुआ है। ऋतु प्रताप ब्रजपाल सिंह हैं, घर के उपद्रव बंद होंगे, ननंद के बच्चे को शारीरिक पीड़ा, चलने में दिक्कत, जन्म जात बनी हुई है। आरोप आपके ससुराल पक्ष से तंत्र विद्या का लगाया जाता है, मारण विद्या का लगाया जाता है, जो पूर्व प्रायः गलत है। आप सही हैं, मायके के उपद्रव बंद हो जाएंगे, आपकी सगी चचेरी सास के द्वारा प्रपंच रचे जाते हैं, वह प्रपंच अब नहीं चलेंगे, आशीर्वाद है। मैं
माइक से बोलिए, क्या बराबर? बिल्कुल सही बात है। कोई संदेह? कोई नहीं। हमको वहां की मिट्टी चाहिए, क्योंकि पूरे घर में उपद्रव, माई के पक्ष की पूरे घर में उपद्रव मचा हुआ है। दो बार बंधन भी करवाया हुआ है, परिणाम जीरो निकला है। लेकिन आप अभी वर्तमान में वहां पर बागेश्वर बालाजी के नाम से 21 दिन की सरसों के तेल की अखंड ज्योति जला दें, जाओ। आज के बाद कोई अनहोनी नहीं होगी और आपके पास कोई भी तांत्रिक नहीं जुड़ा, न कोई तंत्र मंत्र है। ये जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया जाता है ये निराधार है, क्योंकि ना तो तुम उतनी भगवान को मानती हो, ना उतनी भूतन को मानती हो। सही बात, मैं गुरुजी भूत पलीत को नहीं मानती हूँ। तो हमें पता है ना, वैसे आज तुम मानने लगोगी। अगर तुम्हें मानना हो तो यहीं बैठना, हम प्रेतराज सरकार का दरबार लगाएंगे। नहीं, नहीं, तुम्हारी नहीं। बगल वाली करेगी। लगता है मनवा सकते हैं सीताराम। शून्यपन है उसको, जन्म जात है इसको। हम करेंगे उपाय। आपके पिता के दो नाम है? दो नाम, हाँ, क्योंकि इसमें है? क्योंकि इनका एक नाम और हमारे पास आया है। ये नक्षत्रों के नाम के ऊपर है, 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें जो अश्वनी नाम का नक्षत्र है वो तुम्हारे पिता का दूसरा नाम चलता है। माइक लो। हाँ गुरु जी, बिल्कुल आज की एक एक बात सच्चाई है, बस आप अपनी कृपा हमारे बागेश्वर धाम की। गुरु जी, मेरा तीर्थ यात्रा करने के लिए बहुत मन करता है। हमने ऊपर एक गोला में उपाय लिख दिया है, इसको आपको करना है, मंत्र जाप करना है, धाम की पेशी करनी है। आज से ही जय जय होने लगेगी। वाह, ये मंत्र है, ये हमने उपाय लिखा मायके वाला। 11 दिन या 21 दिन, दो में से कोई भी जला सकते हैं। आज से ही सभी उपद्रवों पर कृपा होगी। हम कवच देंगे बहन जी आपको धाम से, आपकी भक्ति खूब बढ़े, परिवार में आज से ही कृपा हो जावे, सभी जय जय रहें, जाव आशीर्वाद है। बराबर, अगला भेजा जाए।